हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरोज सोलंकी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद सरोज सोलंकी। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि स्पेशली MR के लिए है। इसमें GK का क्वेश्चन रहेगा, जिसका 4 ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले आप लोग को खुद से कमेंट करना है, जो भी आप जानते हैं कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊँगा। दोस्तों, चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1961, 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बता दिए, इसके बाद देखिए सही आंसर हो जाएगा 1961। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिएगा, बच के रहिएगा, बहुत दोस्तों को याद होगा 7, जो कि नहीं। अब 370 हटने के बाद कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गया है। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लोनी, कृष्णा, नन ऑफ दिस। लोनी। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्रा, कपिलवस्तु, वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। रघुवंश नामक पुस्तक डैश ने लिखी है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास ने। पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, पाक चीन। आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में, आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पाक, भारत और चीन। चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, भटिंडा, लुधियाना। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत में मुद्रा की छपाई डैश के द्वारा की जाती है? ये तो सब भाइयों को पता होगा, RBI के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? संशोधन प्रक्रिया, आपातकालीन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सूचना का अधिकार। संशोधन प्रक्रिया। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जे एस मिल। इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बैस्टिल का पतन का संबंध किससे है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना? दक्षिण पठार। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? माउंट एरिबस। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? लाप्लास। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? वाष्पोत्सर्जन। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। वेटलैंटिक ट्रॉफी। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। वेटलैंटिक। वेटलैंटिक ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? नौका विहार के लिए दी जाती है।
विश्व ऑटिज्म चेतन दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टीम बर्नर्स-ली ने। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? स्ट्रिनकायर। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका जवाब आपको देना है। गर्म पानी अभ्यारण कहाँ स्थित है? इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग दे दिए होंगे आई होप। दीपू अशम इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अपना वीडियो हुआ खत्म। ऐसे ही वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा जब तक कि MR का एग्ज़ाम ना हो जाए और आप लोगों का सिलेक्शन ना हो जाए। दोस्तों आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है आपका भाई को वीडियो बनाने में, इसीलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग के बिना हम कुछ नहीं है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाना ना भूले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसको इसका ज़रूरत है। दोस्तों मैं आप लोग को इतना भरोसा दे सकता हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा इतना क्वेश्चन करा देंगे जो आपका 25 में से 25 कोई नहीं काट सकता है। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।